देखो जी, अब इस टाइम हमारे क्षेत्र में, खुर्जा क्षेत्र में सब बीएसपी को वोट देंगे। ओके, किसको देंगे वोट? बीएसपी को। बीएसपी को क्यों देंगे वोट? बीएसपी काम करती है, क्या काम किया भारतीय जनता पार्टी वाले ने? मंदिर तो बनवा रही है ना। मंदिर से खाली खाने को चलता, खाली पूजा तो अपने घर में मंदिर बना लो, क्या बात है? मंदिर से क्या है? पर वोट तो उसी पे मांग रहे हैं ना, सवाल तो वोट मांगे करो, हम तो देंगे बीएसपी को वोट। मेरे को ये कह रहे हैं काय काय झेरे में गिर गिर के मर रही है, काय झेरे में सड़ सड़ के गिर गिर के मर रही है, कांटे ते ब्लेटन ते फट रही है काय। हाँ, काय मर रही है, और नौजवान ने सड़क फोर फोर के फेंक दी। आज तक एक बालक भर्ती लगो करियो कहीं तो मुंह दिखाओ। गौशाला भी तो बनवा रहे हैं। अरे गौशाला में गांव में देखो, गौशाला छुट्टी डोल रही है। तो जो मौजूदा सरकार है वो मंदिरों पे ज्यादा ध्यान दे रही है, मंदिर कम ध्यान दे रही है, क्या वजह है, आखिर क्या रीजन है? कोई ना कोई तो उनका रीजन है, मंदिर है। एक आपको वैसे क्या चाहिए? आपको हमें चाहिए, स्कूल चाहिए, हमें चाहिए शिक्षा। जब आपको शिक्षा चाहिए तो मंदिर क्यों दे रहे हैं आपको? नहीं नहीं, उनका तो एजेंडा मंदिर मस्जिद वो बराबर है, एजेंडा है। हाँ, बीजेपी का और एजेंडे के ही पीछे ये जो है क्लियर होकर नहीं आए, क्योंकि इनका तो पहला मुद्दा ही मंदिर है बीजेपी का। और उन्होंने वही काम किया, लॉकडाउन का नाम ले लिया और उन्होंने अपना काम फाइनल कर लिया मंदिर का। किसकी सरकार बनेगी वैसे इस बार? सरकार तो आनी चाहिए बहन जी की ही, क्योंकि जो फायदा बहन जी से और कई पार्टी से नहीं मिल पाए। अखिलेश यादव कह रहे 400 प्लस जाएंगे हम। 400 ये तो सब अपने अपने आंकड़े देते हैं, लेकिन वो पता तो जो है मैदान में आके पड़े कि कौन कौन को कितनी मिलती है। किसकी टक्कर लग रही है आपको? टक्कर तो बहन जी की और उनके साथ और अखिलेश की ही रहेगी। कह रहे बहन जी तो निकल ही नहीं है घर से। नहीं, बहन जी तो ना निकल रही, बहन जी के कार्यकर्ता तो निकल रहे हैं। अखिलेश यादव बस लेकर विजय यात्रा निकाल रहे, उन्होंने तो 17 में उसमें निकाल दी। 12 में भी क्या क्या निकला, क्या कुछ हासिल हुआ? 12 में तो सरकार बना ली उन्होंने। 17 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 17 की बात कर रहा हूँ, 12 में सरकार, 17 की बात कर रहा हूँ। 17 में क्या हुआ बताइए आप? जब भी तो दो युवा थे, बहुत भीड़ आ रही है। जब भी तो दो युवा थे, दो युवाओं के पीछे जब भी तो भीड़ थी, 17 में तो भीड़ थी। पहले दो युवा राहुल गांधी और अखिलेश थे, एक अब थोड़ी चेंजिंग आई है कि जयंत जी आ गए। अब जयंत जी जिसके सपुत्र जी, उनके पिताजी ने एक बात कही थी शायद आपको ध्यान हो, जिसकी गाड़ी पर सपा का झंडा है समझ लो उसमें गुंडा है, कही थी या नहीं? जयंत जी ने कही थी, जयंत के पिताजी ने कही था, तो उन्हीं के बेटा। अब वो गुंडों में आके मिल गए भाई, जयंत जी गुंडों में आके, जो जिसके फादर मान लो मेरे फादर किसी को गलत बताते उसको गलती तो हम नए है ना, हम नहीं सोच लेके आए, ऐसी कैसे सोच लेते ऐसा नहीं। जो मेरे बाप का जो दुश्मन है वो दुश्मन ही रहेगा, सीधी सी बात है। कैसे बदल जाएगी उसमें, कैसे बदल जाएगी? पर वो तो युवा तो बारह 17 में भी थे भाई साहब। आप कह रहे हैं कि सफा रेस में नहीं है, वहाँ तो मंत्रालय बट रहे हैं। हाँ, बट रहे तो बट रहे होंगे हमारे साहब भैया, इससे कोई ना पहले कुछ भी कर लो अपना। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बहन जी का प्रत्येक कार्यकर्ता बहन जी के काम से वोट मांगता है। हमारे पास मुस्लिमवाद नहीं है, धर्मवाद नहीं है, जातिवाद नहीं है, हमारे पास काम है। यही तो गलती तो नहीं कर रहे आप लोग कहीं? नहीं, हम कहाँ गलती कर रहे हैं, गलती काम पे और संविधान पे वोट मांग रहे हो? नहीं, संविधान पे किसने मांगे, मैंने काम पे वोट, मैंने कहा बहन जी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम पर वोट मांगता है और बहन जी का काम है। काम पे किसने? बहन जी ने, मेरी बात सुनिए, बहन जी ने 7 से लेकर 12 तक जो काम किया है, मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार अगर 20 साल भी अगर उत्तर प्रदेश में रहे तब भी इतना काम नहीं करा पाएगी जो बहन जी ने 5 साल में करा कर दिखाया है। तो काम पे वोट कौन देता है? नहीं, काम पे आपके वोट देगी जनता, क्योंकि काम पे क्यों नहीं दिया, इसका एक रीजन है ना, इन लोगों ने झूठ बोलकर सत्ता को हटाया, झूठे वादे किए हैं, 15 लाख रुपए के वादे किए, कहाँ गए 15 लाख रुपए? ये काला धन लाने की बात करते थे, कहाँ है काला धन? काले धन की जब लिस्ट आई इनके पास तो पता लगा सबसे ज्यादा बीजेपी के लोगों के पास है काला धन, फिर वो लिस्ट कहाँ गई, आज तक क्यों नहीं जाहिर, वो क्यों जनता के बीच में नहीं रखी? पर ये सब मुद्दे एक तरफ है, कह रहे हैं मियां साहब टाइट हैं इस सरकार में। मियां साहब टाइट हैं? नहीं, कैसे टाइट लग रहे हैं आप बताइए ना, वो थोड़ा सा वही देखो अब टाइट, वो कह रहे हैं टाइट। देखिए, जरूरी तो नहीं है जो दिखता है वो होता है। आप कैसे कह रहे हैं जरूरी तो नहीं है? अगर मैं नहीं कह रहा, वो लोग कह रहे हैं जो वोट मांग रहे हैं वो लोग, तो मियां साहबों को टाइट कर रखा है सरकार ने। अच्छा, टाइट कर रखा है। देखिए, इस बार मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी, बहुजन समाज के बहन कुमारी मायावती जो उनकी नेता हैं, बहुजन समाज की जो एक नेता इकलौती परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी को वोट करेगा, उनके काम पर वोट करेगा। यहाँ उत्तर प्रदेश का
25 करोड़ की आबादी ये जानती है कि अगर इस प्रदेश का कोई विकास कर सकता है तो वो एक नेता है, परमादरणीय बहन कुमारी मायावती, दूसरा कोई नेता नहीं है। आप क्यों नहीं करते हिंदू मुस्लिम मस्जिद? नहीं, हमने कहा ना उनके पास काम नहीं है। आप बताइए उनके पास बीजेपी सरकार काम पर कैसे वोट मांगेगी, क्या काम है वो बता पाएंगे क्या? विकास की गंगा बह रही है? नहीं, कहाँ बह रही है, गंगा तो महली हुई पड़ी है, कहाँ विकास की गंगा बह रही है? गंगा तो महली हो चुकी है, उसे सफाई करवाने के नाम पर उसके गंगा के लाल उसके गंगे को पैसे को खा गए, आप कह रहे हैं गंगा साफ हो रही है? गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने में जुटे हैं लोग। नहीं, गौ माता से क्या देश का उद्धार हो जाएगा? गौ माँ सुनिए, गौ माता से देश का उद्धार नहीं होने वाला, देश का उद्धार होने वाला है युवा, राष्ट्रमाता में इतना युवाओं से राष्ट्रवाद जो कर, मैंने कहा उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है, उनके पास विकास नहीं है, उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास एजुकेशन जो लोग कर रहे हैं उनको प्रोवाइड कराने के लिए सुविधा भी नहीं है, सुविधा भी प्रोवाइड नहीं करा। सपा बेहतर है, बसपा बेहतर है? बसपा बेटर है। क्यों? इस देश के प्रत्येक नागरिक को बसपा बेटर है। बसपा इसलिए बेटर है कि जब जब देश में और पूरे प्रदेश में परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में सत्ता रही है, तब तब भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चली है। अखिलेश यादव भी कहते काम बोलता, हमारे काम के पीते काट रहे हैं। अखिलेश यादव ने खुद स्वीकार किया था कि हमने बहन जी के काम के पीते काटे हैं, ये उन्होंने खुद कहा था। वो बीजेपी पे लगा रहे हैं, वो बीजेपी पर लगा रहे होंगे, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ ये बीजेपी जिन कामों का शिलान्यास कर रही है वो भी तो परमादरणीय बहन कुमारी मायावती जी के हैं। आप बता दीजिए अभी जिस तो ऐसी क्या कमी रही जो बहन जी हार गई दो बार? कमी देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, 7 से लेकर 12 तक बहन जी की सरकार रही। और मैं ये जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत विचार रख रहा हूँ, मैं ये जानता हूँ कि जिसकी सरकार रहती है लोग हो सकता है कहीं ना कहीं उन्हें मनाने में या प्रत्येक कार्यकर्ता उनको नहीं समझाने में विफल रहे हैं या उनके बीच नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन अब और सरकारों को जो मौका दिया है, अखिलेश की सरकार को मौका दिया, 5 साल उन्हें देख लिया, उनको भी भगा दिया, अब बीजेपी को 5 साल मौका दिया, अब उनको भी भगाने के लिए जनता बैठी है और बहन जी को पुनः लाने के लिए तैयार बैठी है। के बहन जी की सरकार बनने वाली है और बनने वाली नहीं, बनने जा रही है। क्या खास लगता है बहन जी की सरकार में? खास मेरी बहन ऐसी है कि यहाँ से लेके वहाँ तक सबका ख्याल रखती है, जमीन से लेके और आसमान तक, नखून से लेके बाल तक सबका ख्याल रखती है। ये सब मनगढ़ंत कहानियां है। अरे अपने मन से देखो, अपने मन से देखो, अपने विचारों से देखो, अपने तन मन धन से देखो और बुद्धि से देखो। बहन जी बहन जी वो सबका ख्याल रखती हैं, सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए, ये उनका नारा है, हमेशा रहेगा। बच्चों का, बीवी का, बेटे का, पोते का, योगी, वो योगी जी, एक्सक्यूज मी, योगी जी, अब मैं उनकी योगी जी के बारे में बोलता हूँ। हाँ बाबा जी हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, बाबा जी प्रणाम, ठीक है बाबा जी प्रणाम। जब उनका अपना कुछ है नहीं, बोलते हैं योगी जी, मोदी जी हैं, वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं और सीएम है, पीएम है, लेकिन उनका कोई वजूद नहीं है। मंदिर, ये खत्म हो गया इनका, ये तो मंदिर तो खत्म हो गया, अब क्या करेंगे ये? अब तो मंदिर खत्म हो गया, बन के बना दिया इन्होंने, अब क्या वजूद है इनका? नहीं लेंगे क्या? क्या इनके पास था क्या? ये मंदिर वाला था काशी में गए मोदी जी, काशी मोदी, छोड़ो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाह रहा, इनके पास कुछ नहीं है अब, क्या है इनके पास? कुछ नहीं है इनके पास, अब तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती, मायावती, मायावती। मतलब ये है कि पूरे जो युवा पार्टी है, जो बच्चे हैं, जो भी जितने भी हैं, सब युवा है, सब चाहते हैं मायावती आनी ही चाहिए, यही चाहता है हम लोग, पढ़ाई लिखा सब, ये सब बड़े पढ़े लिखे हैं। मायावती आएगी तो रोजगार भी आएगा। मायावती का मतलब ये है कि युवा जो जितने पढ़े लिखे हैं